मिस्ट्री कहाँ थी बेटा तुम? और ये बैग? बड़ी माँ को एनजीओ में कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा। ओहो, पता है सबने बहुत अच्छी अंताक्षरी खेली, बहुत मजा आया। तू होती तो और मजा आता। बड़ी माँ मैं अभी आई। सुन, आगे से मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी तुम, समझी? विश्वंबर जी, हमारे यहाँ गणेश स्थापना की रस्म होती है। अच्छा जी, ये रस्म तो हमारे यहाँ भी होती है। तो फिर बस आप दे दीजिए कुहू की जन्म पत्री। जी बिल्कुल। जी सुनिए, कुहू की जन्म पत्री कैसे दे सकते हैं हम लोग? मतलब पाउजी, जन्म पत्री में माँ के नाम के आगे मेरा नाम नहीं लिखा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वर्षा बेटा, हम मौका देखते ही यशपाल जी से बात करेंगे। माँ प्लीज पाउजी को रोकिए ना, हम उन्हें ये बात नहीं बता सकते। वर्षा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वर्षा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ वो वर्षा कुंडली वाली बात लेके थोड़ा पैनिक कर रही है। वर्षा, हम लड़की के ससुराल में है, यहाँ किसी ने हम लोगों को इस तरह छुप कर बात करते हुए देख लिया तो कई सवाल उठेंगे। माँ मैं किसी को भी उस पे सवाल उठाने का हक नहीं दूंगी, कुंडली पे चाहे किसी का भी नाम लिखा हो। सच तो ये है कि कुहू मेरी बेटी है। वर्षा, पर उसे जन्म तो किसी और ने दिया है ना, और हमें ये बात कुहू के ससुराल वालों को बतानी होगी। अब कुहू के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है उनका। माँ लेकिन अगर एक बात छुपा कर हमें इंश्योर करते हैं कि कुहू खुश रहेगी तो तू सच बताने का फायदा क्या? तो फिर तूने वर्षा को क्यों सच बताया था? इसीलिए ना कि पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार होता है। जो अधिकार वर्षा का था वही अधिकार कुणाल का है। माँ आप उस दुनिया की बात कर रही हैं जिसमें आप और बाऊजी जैसे लोग रहते हैं, उस दुनिया की नहीं जिसमें मीनाक्षी राजवंश जैसे लोग ही रहते हैं। हमें सच बताने की हिम्मत है माँ, लेकिन उनमें सच सुनने की ना तो हिम्मत है ना ही काबिलियत है। वर्षा ठीक कह रही है माँ, वो सच जानते ही वो लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे। क्या चाहते हो तुम दोनों, हम झूठ बोलें? कभी ये सोचा है अगर कई साल बाद ये बात सामने आई तो क्या होगा? आज ये सच हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कल ये सच कुहू की जिम्मेदारी होगा। आज हम लोग झूठे कहलाए जाएंगे, लेकिन कल कुहू झूठी कहलाई जाएगी। वर्षा तू क्या करने जा रही है? वही जो एक माँ को करना चाहिए। कुहू जब पहली बार घर आई थी, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी माँ बन के दिखाऊंगी। वर्षा बेटा, तूने अपना प्रॉमिस बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है, लेकिन बेटा इंसान का जो सच होता है ना, उसका सामना उसे खुद ही करना पड़ता है। माँ कुहू सच जानती है, बात उसकी नहीं है, उसकी होने वाले सास के रिएक्शन की है। वर्षा तुम यहीं पे रुको, मैं बाबूजी से बात करता हूँ, ठीक है? एक तरीका है। हम एक नकली जन्म कुंडली बना लेते हैं। क्या? हाँ माँ, बच्ची की खुशी के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते हैं। तो फिर हमें तो एक कागज में नाम चेंज करना है बस। वर्षा तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? हमारे परिवार ने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। माँ बच्चे की खुशी के लिए परिवार सब कुछ करता है, हम भी करेंगे। मैं बाऊजी से बात करूंगी। बट सॉरी बेटा, रोक इसे। हाँ माँ। वर्षा जी, वर्षा जी, चिंता ना थी ना, पत्रिका मरी गई, जसमी जी ने ढूंढ के दी। आप लोग जरा बैठिए, मैं दो तीन फोन लगा के आती हूँ। भाभी, मैं कब से आपको सॉरी कह रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो ना भाभी। तो कुछ भी मत कर जसमी, क्या जरूरत थी इतना उतावला होके उन्हें कुंडली देने की? अगर उन्हें पता चल गया कुहू मेरी बेटी नहीं है तो? हाय रब्बा, भाभी मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। I'm sorry भाभी। What गलती चाची?
हूँ वो क्या है ना कि गलती से मैंने तेरी कुंडली तेरे होने वाले ससुराल में दे दी। मैं भूल गई थी कि तू वर्षा भाभी की अपनी बेटी नहीं है। अगर उन लोगों ने तेरे असली माँ का नाम पढ़ लिया तो चाची मम्मा ओ गॉड अब क्या होगा। चल जल्दी बता दे। अरे क्या बेलगाम घोड़े की तरह भागते जा रहे कितने सवाल पूछेंगे नानू। बेस्ट फ्रेंड तो मैं ही हूँ तो और किसे बताएगा। अरे हाँ संगीत के टाइम तो रोमांस हो रहा है। बाबूजी को मेरे राज की बात बता रहा हूँ। मिस ही तो कर रहा था नानू। देखो ना वो आया और आके चला गया। ये बेदर्द जमाना मेरे दिल का हाल कैसे समझेगा कि मैं एक वाइफ का नहीं हस्बैंड का इंतजार कर रहा हूं। तो डरना मत ब्रो, प्यार तो प्यार होता है। तू जिसकी भी मांग में सिंदूर भरना चाहेगा मैं तेरे साथ। नो ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मेरी बात सुन बेटा। मैं चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तुझे पता है ना तेरे पापा ये बात नहीं छुपाएंगे। वर्षा भाभी अगर बड़बोली के होने वाली सास को वो कुंडली मिल गई तो वो एक गोदी हुई बेटी को कभी अपने घर की बहू नहीं बनने देंगी। वो तो रिश्ता तोड़ देंगी। माँ आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती। बस माँ प्लीज आप किसी को कुछ सच नहीं बताएंगे। प्लीज रो मत बेटा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स मम्मा सब आपके हाथ में। आप जाओ ना तो ये बात अभी खत्म हो सकती। मैं ना कुणाल को सच बता दूंगी कि मैं अडॉप्टेड हूँ। बस आप दादू और दादी से जाके कह दो कि उनकी फैमिली को सब सच पता है। तो पागल हो गई क्या? मैंने आज तक माँ बाबूजी से कभी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं मम्मी, झूठ नहीं, मैं कह रही हूँ ना कल मैं स्थापना वाले दिन कुणाल को सब सच बता दूंगी। वो खुद अपनी फैमिली से बात कर लेगा ना मम्मा। हाँ वर्षा भाभी बड़बोली बिल्कुल सही कह रही है। कुणाल को उसे बहुत प्यार करता है और मुझे लगता है कि वो अपने फैमिली वालों को जरूर समझा देगा। भाभी आपको तो पता है ना कि उस मुंह बोली के चक्कर में ताया जी ने पहले इसे होने वाली सास से किस तरह से बात की है। अगर ताया जी अब बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। प्लीज भाभी। प्लीज मम्मा तू पक्का कल कुणाल से बात कर लेगी ना? पक्का मम्मा, प्रॉमिस, आई स्वेयर, हैशटैग आई स्वेयर मम्मा प्लीज। और बाबूजी ऐसा मजाक करते हैं क्या? आप भी तो छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। छुप छुप के बातें सुनना गलत बात है ना? वैसे हम आपके सीरियल की स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। अरे हाँ तुम आज सीरियल देखने वाली थी, उसका क्या हुआ? अरे हाँ आज तो सास बहू के खाने में चिपकली डालने वाली थी ना। अरे अमर हमारी रे बाबूजी आज तो दाव था क्यों? मैं तो भूल ही गई थी। नहीं मैं वैसे भी नहीं देख सकती हूँ। कल हमारे घर में वो गणपति की स्थापना जो है ये पकड़ा भी पारुल बहन को दे देना। आराम से। अच्छा मजाक इज ओवर। अब सीरियसली मुझे बता तेरे और मिश्री के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? यार शाह हम तेरी चिंता समझ सकते हैं लेकिन हमने कभी भी ये बात नहीं छुपाई। उहू और कुणाल को सारी जिंदगी साथ रहना है। ये रिश्ता झूठ की नींव पे नहीं रखा जा सकता। मैं भी उसी के बारे में बात करना चाहती थी। वर्षा बेटा बताइए क्या बात है? अब ताया जी वो बात यह है कि उन्होंने कुणाल को पहले से बता दिया था कि वर्षा भाभी उनकी सखी माँ नहीं है। क्या कुहू तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ये बात हो चुकी है? ताई जी वो कुहू और कुणाल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है ना। वो कुहू को कुणाल बहुत लाइक करता है ना इसीलिए। जसमीत एक मिनट, हम कुहू के मुंह से सुनना चाहते हैं। कुहू कुणाल जानते हैं आपने उन्हें खुद बताया? उन
उन्होंने आपसे क्या कहा? उसने कहा कि वो अपनी फैमिली से बात करेगा। हैशटैग दैट्स इट। शौर्य के बाबूजी, वैसे कुणाल सच का साथ देने में नहीं डरता है। आपको याद है ना, उसने खुद आपसे माफी मांगी थी क्योंकि उसने मिश्री को सबके सामने माफी मांगने के लिए कहा था। तो चिंता की कोई बात नहीं है, है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम चिंता क्यों करें? हमारे लिए तो सबसे बड़ा सच ही है, कुहू हमारी बेटी है और वर्षा उसकी माँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।